होली की धूम हर जगह मची हुई है और उत्तर प्रदेश की पावन नगरी मथुरा में जोर शोर से होली की शुरुआत हो चुकी है। इन दिनों पूरा ब्रिज होली के रंगों में रंगा हुआ है। ब्रिज की हर गलियां आपको गुलाल रंग और फूलों से अति हुई मिलेंगी। हो भी क्यों ना, होली तो ब्रिज की खास है, लेकिन इस रंग भरे त्योहार में कुछ माताएं आज भी अपने कोमल हृदय पर सफेद चादर लपेटे हुए हैं। इनके लिए इन रंगों का महत्व आज भी फीका है, लेकिन वृंदावन के मैत्री घर विधवा आश्रम में अनोखी होली का आयोजन किया गया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि विधवा माताओं के साथ होली खेलने के लिए ब्रज के संत और सुहागन महिलाएं भी शामिल हुई। आश्रय सदनों में रह रही विधवा और बेसहारा माताओं ने रंगों की होली खेल अपने बेरंग जीवन में रंग भरने का प्रयास किया। इस होली के दौरान विधवा और बेसहारा माताओं का उत्साह उनकी खुशी का इजहार कर रहा था। आपको बता दें कि जब इस आश्रम में होली खेलना शुरू की गई थी, तब इन माताओं को होली खेलने में झिझक होती थी। कई साल तक इन महिलाओं ने किसी भी त्योहार को इतने उत्साह और उमंग के साथ नहीं मनाया था, लेकिन धीरे धीरे इनके बर्ताव में भी परिवर्तन आया और अब इस आश्रम में मौजूद सभी 92 माताएं होली की सारी तैयारियां खुद ही करती हैं। आज हमने होली की शुरुआत करी है वृंदावन के लिए, कि माताओं के जीवन में जो खुशियां, जो रंग भरने होते हैं, वो हमारा प्रयास रहता है हर साल। तो इस साल थोड़ा जल्दी किया है, क्योंकि फिर उसके बाद में होली शुरू हो जाएगी तो मनाना हम लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बाहर से अतिथिगण जो आते हैं वो नहीं आ पाते। और हमारी माताएं बहुत प्रसन्न होती हैं जब सब लोग आते हैं, तो उनको लगता है कि इनकी भी उसमें वो सब इनका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं और सभी इनके बारे में सोचते हैं। और जो स्नेह प्यार ये देती हैं, उससे ज़्यादा हमारे अतिथिगण आके वो भी इनको देते हैं। तो जो माताएँ हैं उनको बहुत प्रसन्नता होती है जब रंगों के माध्यम से उनके जीवन में खुशियां आती है, इस तरह की लहर फैल जाती है। आपने देखा होगा किस तरह उनसे उनके पैर रुकते नहीं हैं एक मिनट के लिए भी, डांस करने के लिए, नाच करने के लिए, उसमें गाना गाने के लिए, हर एक चीज़ में। तो पूरे आज ब्रज में होली है, वो पूरा वो उनका चलता है आज। लोकल ए टीम मथुरा से सौरभ की रिपोर्ट।